अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद सरफराज और आप देख रहे हैं फिशिंग टीवी। आज मैं आया हूँ दो दरिया में थोड़ा ट्राई करने के लिए। थोड़ा सा ही टाइम मिलता है हमें कंपनी से छुट्टी की, तो यहाँ आ गया और चारे में भांगड़ा और लेके आए हैं झींगा, दो चीज़ें लाए हैं। भांगड़ा काट के रबड़ लगा दिया था, बाकी केकड़ा यहाँ से पकड़ेंगे, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आगे। चलिए शुरू। ये आया है पहला दाना और ये आया झींगा सर। ये लगाते हैं इसका केकड़ा, इसको बैठ कर बस बंद कर बना के बोल दो। ये कौन आया है अभी? पहला आया था झींगे पे, ये आया केकड़े पे। भांगड़ा अभी तक नहीं चल रहा, भांगड़ा भी ट्राई कर रहे हैं। चलो दो हो गए, छोटा है फ्राई वाला माल, लेकिन ये हमारे लिए काम का है क्योंकि इसको हम लगाएंगे घिसर के डोर में, घिसर के ट्राई करो। तो लगाएंगे गिफ्टर के लिए। ये आ गया था केकड़ा, हम तो इसको काट कर लगाने वाले थे, लेकिन ये अंडे वाला है, मादा है, तो इसको छोड़ेंगे वापस। भांगड़ा काट के ना उसके ये पीस बनाए हुए हैं, इसको लगा लेते हैं कांटे में। बस ये आई है भांगड़े पे, डोर भी मेरी नीचे चली गई है। जी तो दोस्तों, टाइम हो चुका है 10:15, 7 बजे हम आए थे, 3 घंटे गुजर चुके, तकरीबन 3.25 घंटे, और हमने तकरीबन 5 मछलियाँ पकड़ी हैं। एक तो हमने कांटे में लगा दी थी, बाकी हम लेके जा रहे हैं, और ये खाली ट्राई के लिए आए थे। झींगा भी ट्राई किया, उस पर भी मछली आई, वो भांगड़ा लाए थे भांगड़े पे भी मछली आई, इसके अलावा यहाँ से केकड़ा पकड़ के लगाया था, केकड़े पे भी मछली आई। मछली तो आ रही है, आपको मछली भी दिखाते हैं, बंद कर दे। हमने पकड़ी है ये टोटल 4 मछलियाँ, 5 थी, एक तो लगा दी थी कांटे में, कुकड़ी अभी भी ज़िंदा है और चाल तो अभी भी हो रही है केकड़े पे, लेकिन अब टाइम नहीं है, नहीं तो बैठते मज़ीद कुछ शिकार की ट्राई करते। घिसर के लिए जो हमने डोर लगाई थी उस पर घिसर तो नहीं आया, लेकिन एक बंदा यहाँ पे घिसर का वो बोई पे शिकार कर रहा था, ज़िंदा बोई पे, तो उसने तकरीबन 2.5-3 किलो का दाना था घिसर का वो उठाया। बाकी ये है आज का शिकार, अभी ये लेके जाते हैं। अब तो जाके इसको पका नहीं सकते क्योंकि अभी जाके सोने का टाइम है हमारा, तो ये सोने का टाइम हो जाता है। इंशाल्लाह कल इसका कोरमा बनाएंगे, काले दंदिया का कोरमा, ठीक है। दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर से मुलाकात होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में हमें भी याद रखिएगा।